सब्सक्राइब करिए नॉलेज वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज करीब 196 देशों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। दरअसल चीन ने इस पूरे मामले में कई अहम जानकारी छिपाई, जिसे महामारी बन गई। कोरोना वायरस के कहर से लगभग पूरी दुनिया में जिंदगी ठहर सी गई है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से शुरू हुए इस किलर वायरस से अब तक 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 196 से अधिक देशों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अमेरिकी पत्रिका नेशनल रिव्यू में छपे लेख के मुताबिक चीन ने कोरोना से जंग के लिए जरूरी आंकड़े दुनिया से छिपा कर रखे, जिससे ये लड़ाई अब बहुत कठिन हो गई है। माना जाता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के जंगली जानवर के मार्केट से हुई है। आइए जानते हैं कि चीन ने किस तरह इस पूरे मामले को दुनिया से छिपाया। 1 दिसंबर 2019, इसी दिन पहले मरीज में कोरोना वायरस का लक्षण सामने आया। 5 दिन बाद मरीज की पत्नी भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो गई और उसे भी अलग थलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में वुहान के डॉक्टर ने उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिनमें ये वायरस फैला था। इस दौरान ये साफ संकेत सामने आया कि ये वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। 25 दिसंबर को वुहान के 2 चीनी मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना का लक्षण पाया गया और उन्हें अलग थलग कर दिया गया। बाद में इस अस्पताल में कोरोना के कई मामले सामने आए। इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले डॉक्टर ली वेनली आंग ने डॉक्टर के एक समूह को चेतावनी दी कि यह सार्स हो सकता है। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वे इस वायरस से बचाव के लिए कदम उठाएं। 31 दिसंबर को वुहान के हेल्थ कमीशन ने यह घोषित कर दिया कि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। 8 जनवरी 2020 को चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने वायरस की पहचान कर ली है। इस बात के साक्ष्य नहीं है कि यह वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। 12 जनवरी को डॉक्टर ली को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक मरीज के इलाज के दौरान उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया था। उनकी हालात खराब होने पर उन्हें ICU में ले जाया गया। 13 जनवरी को पहली बार चीन से बाहर कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला थाईलैंड में सामने आया। इस मरीज ने वुहान की यात्रा की थी। 14 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। 15 जनवरी को वुहान के हेल्थ कमीशन ने कहा कि इंसान से इंसान में कोरोना वायरस के जाने की सीमित संभावना है। इसके बाद भी वुहान में भीड़ को जुटने दिया गया। इसके बाद 19 जनवरी को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने के 2 मामले सामने आए हैं। चीन की इस देरी का नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया।